नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज फिर से एक IFMS पोर्टल से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें कि हम आपको बताएंगे एक जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर समस्या आ रही है। हमने जितने भी अभी तक जो IFMS के ये प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, उसमें जो नया अभी आया है वो है दोस्तों, जब हम एड्रेस डिटेल्स को जो है वहाँ पर कह सकते हैं कि अपडेट करने जा रहे हैं, क्योंकि एड्रेस डिटेल दोस्तों जो है उठाई गई हैं आपके हम कह सकते हैं सर्विस बुक के माध्यम से, जहाँ पहला एड्रेस उस पर लिख रहा होता है, तो उसको जो है दोस्तों वहाँ पर पुराना हमारा जब हमारी सर्विस लगी हुई होती है तब का एड्रेस है, और उसको चेंज करने के टाइम जो मेन प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम जो है दोस्तों वो पूरी तरह से अपडेट नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी हायरार्की जिस तरीके से वर्क कर रही है, देखिए मैं लेकर चलता हूँ आपको एम्प्लॉय सेल्फ सर्विसेज पर। यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो सेकंड ऑप्शन दे रहा है चेंज एड्रेस डिटेल्स, यहाँ आने के बाद दोस्तों जब आप जो है यहाँ पर देखिए, एक तो होम टाउन का ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन है आपके परमानेंट एड्रेस का, तीसरा है आपका करंट एड्रेस का। अगर आपका करंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस से मिलता है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। इसमें दोस्तों वो क्या रहा है, जब आप इसको अपडेट करते हैं, अपडेट करने जाते हैं होम टाउन पर, तो मान लीजिए मुझे हाउस नंबर, सोसाइटी, स्ट्रीट, एरिया, ये सब चेंज करना है, तो जब मैं यहाँ अपडेट करने जाता हूँ तो यहाँ ऑप्शन आता है डू वांट टू अपडेट द रिकॉर्ड, और जब मैं यहाँ ओके करता हूँ तो ये ऑप्शंस जो हैं ओपन हो गए हैं। देखिए अब मैं यहाँ पर भर रहा हूँ इंडिया, मध्य प्रदेश, मैं यहाँ पर ये लिख दूंगा। बाकी आप देख सकते हैं जो मैंडेटरी फील्ड हैं जहाँ पर स्टार लगा हुआ है, वही भरना सिर्फ ज़रूरी है। अगर कुछ यहाँ से गलत भी होता है तो आप जो है यहाँ से रीसेट कर पाएंगे। अब दोस्तों जो मेन मुद्दा यहाँ पर बनता है, जब आप इसको फाइनली भर लेते हैं और आप इसको जो है यहाँ पर सेव करते हैं, देन सेव करने के बाद जब आप दोस्तों यहाँ सबमिट करते हैं, तो यहाँ से आपको एक रेफरेंस नंबर जो है प्रोवाइड कर दिया जाता है। एक रेफरेंस नंबर आता है आपके ID के साथ, जो कि आपकी ये तीनों काम जब आप करते हैं, जब आप अपने डिटेल्स को चेंज करते हैं, फैमिली डिटेल को आप भर रहे होते हैं, तो दोस्तों वो तीनों बार सेम नंबर आपका जनरेट हो रहा है। ऐसे में होता क्या है दोस्तों, ये जो तीन चीज़ें हैं जो आप मेरे माउस कर्सर पर देख पा रहे होंगे, एम्प्लॉय प्रोफाइल, ये आसानी से हम जो है हमारे DDO तक जो है इसको फॉरवर्ड कर पा रहे हैं, एज ए प्रिंसिपल वहाँ पर ये रिक्वेस्ट पहुँच रही है प्रिंसिपल के पास, फैमिली डिटेल्स की भी पहुँच रही है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो है एड्रेस डिटेल की। इसकी जो हायरार्किकल कुछ दोस्तों प्रॉब्लम है, इसको शायद सी सिस्टम में ही कुछ सर्वर भी हम कह सकते हैं, या जो भी इशू आ रहा है, मेन इशू जो है दोस्तों एड्रेस का ही हमने अभी तक जो कंसर्न में आया है। तो एड्रेस डिटेल पर जो है, या तो आप जब भर रहे हैं तो इसका आप वेट कर सकते हैं, या फिर आप कुछ ऐसे आवर्स में इसको भर सकते हैं जब ये ज़्यादा एक्सेस ना हो रहा हो, जिससे कि दोस्तों ये तीनों रिक्वेस्ट जो है आपकी मेन सर्वर तक वहाँ तक जानी चाहिए। जैसे ही ये तीनों दोस्तों जो है आपके अप्रूव हो जाएंगे, आप फैमिली डिटेल्स में भी देख पाएंगे, ये जितने भी यहाँ पर ये लिखे जो आते हैं पेंडिंग रिक्वेस्ट, अप्रूव्ड रिक्वेस्ट, तो ये जो है दोस्तों अप्रूव्ड है। और यहाँ पर ये जो डेटा है, यहाँ पर देखिए अभी रिक्वेस्ट स्टेटस में जो है हमारे में एक्टिव लिखा आ रहा है, ये एक्टिव है। अब जब हम यहाँ पर दोस्तों नॉमिनी बनाने जाएंगे, तो नॉमिनी बनाने में अगर आपका एड्रेस का कंसर्न अभी सॉल्व नहीं हुआ है तो आप नॉमिनी नहीं बना पाएंगे। यहाँ नॉमिनी डिटेल में जो है आप सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर फैमिली पेंशन करना चाहता हूँ, DPF करना चाहता हूँ, और मैं यहाँ से जब उसको सबमिट करता हूँ दोस्तों, तो सबमिट करने के टाइम होता क्या है, यहाँ पर देखिए ये मेरे इस केस में जो मैंने ID लॉगिन की है, यहाँ पर ऑप्शन आ गया है, मैं यहाँ से नाम उठाऊंगा, नाम के बाद मैं कितने परसेंट शेयर जो है नॉमिनी को, ये सब सारी चीज़ें मैं यहाँ से कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपका एड्रेस का इशू सॉल्व नहीं होगा तो आप नॉमिनी के डिटेल्स तक यहाँ नहीं आ पाएंगे, और आपको बार बार वही मैसेज आएगा कि आप जो है अपनी रिक्वेस्ट को पहले सही तरीके से सेंड कीजिए, ऑलरेडी वो क्यू में है, और जब वो वहाँ से DDO साइट से अप्रूव होकर नहीं आ जाएगी तब तक आप जो है ये काम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों चेंज एड्रेस डिटेल्स में हो सकता है मे भी आने वाले दिनों में कुछ चेंजेस आ जाएं, या अभी कुछ सर्वर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अभी रिसेंट के 7-8 दिनों से ये
बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इसको यूज़ किया जा रहा है। जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके एम्प्लॉइज़ जो हैं लगभग सभी जगह से इसको जो है इसको कह सकते हैं कि इसका यूज़ कर रहे हैं। इस कारण से दोस्तों ये प्रॉब्लम एड्रेस डिटेल की आ रही है, और इसीलिए हमने ये दोस्तों वीडियो बनाया ताकि आपको भी मन में अगर कोई संशय हो, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सिर्फ हमारे ही आईडी पर एड्रेस डिटेल का ऐसा क्यों हो रहा है, तो एड्रेस डिटेल का ये जो है रैंडमली किसी ना किसी के में ये इशू आ रहा है। तो आप जो है इसको सॉल्व करने के लिए मे बी अर्ली मॉर्निंग या नाइट में जब आप इसको भर रहे हो तो आप भरें, ताकि आपकी रिक्वेस्ट जो है एग्जैक्ट वहां पर जा सके, और उस सर्वर से जब ये सब अप्रूव हो जाएंगे इसके बाद ही दोस्तों आप ये जो है नॉमिनी डिटेल्स के ऑप्शन पर अपना काम कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।